टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस सी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू वी वन एंड अदर इज टू वी टू. द निगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर ऑल्सो कनेक्टेड. द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कम्बाइंड सिस्टम इज. तो बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, जैसे एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, दोनों की कैपेसिटी सी है ऐसा उन्होंने दे रखा है. वेरी गुड. ये कैपेसिटी क्या है? सी. ये कैपेसिटी सी. एक को वी वन बैटरी से जोड़ा गया वी वन वोल्ट से और एक को वी टू वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया ऐसे. तो सीधी सी बात है, कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड निगेटिव हो गया. कितना चार्ज गया होगा? Q इज इक्वल टू सी वी वन. जब इसको V2 पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज चला गया होगा. सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और ये निगेटिव. इस पे चार्ज कितना गया होगा? सी वी टू. ठीक है. अब इन्होंने कहा कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये सेल हटा दिए गए, जो भी बैटरी लगाई थी इनको हटा दिया, और इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और निगेटिव प्लेट निगेटिव में कनेक्ट करते हैं. मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम. ठीक है. तो ऐसा केस आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पढ़ाया गया है. अगर पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और निगेटिव प्लेट निगेटिव में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है ना, तब तक पोटेंशियल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता, क्योंकि आपको पता है ना चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. तो अब वो चार्ज इधर उधर तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. मान लेते हैं कि दोनों का सेम पोटेंशियल V हो जाता है, जोड़ने के बाद कुछ देर बाद दोनों पोटेंशियल का जाएगा सेम हो जाएगा, वो हो गया V. अब इस समय जब V पोटेंशियल हो गया, इसकी कैपेसिटी C थी, इसकी कैपेसिटी C थी, तो सीधी सी बात है इस पे अब चार्ज कितना हो गया होगा? सी वी. इस पे चार्ज कितना हो गया होगा? सी वी. मतलब फाइनली दोनों पे चार्ज भी सेम हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी सेम. अगर कैपेसिटी अलग अलग होती तो अलग अलग भी चार्ज हो सकता था, बट पोटेंशियल सेम होगा, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, और ये सेम पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है नेट चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना था पहले देखो, Q1 प्लस Q2 अपान नेट कैपेसिटी. तो नेट कैपेसिटी कितनी देखो, C प्लस C. भाई C इसकी पैरेलल में लग गए ऐसे 2C, यानी कि V हो गया हमारे पास देखो सी वी वन प्लस सी वी टू अपान 2C. कैंसिल हो गया तो क्या बचा? V1 प्लस V2 अपान V इस केस का. अब देखो बच्चों, हमसे कहा जा रहा फाट विल बी द लॉस इन एनर्जी. मतलब इस स्थिति में अलग अलग कैपेसिटर थे, उनको ऐसे जोड़ने में कितना लॉस हुआ एनर्जी का. तो हम क्या करेंगे? पहले की एनर्जी निकालेंगे, बाद की एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पहले की एनर्जी टोटल कितनी है जरा दिमाग लगाओ, इसकी एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन एनर्जी देखो तो क्या होता है एनर्जी का फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर. तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, यानी कि सी वी वन स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी तो हो गई हाफ सी वी टू स्क्वायर. ये तो बच्चों इनिशियल एनर्जी हो गई माइनस फाइनल एनर्जी. तो इस पे देखो पोटेंशियल कितना हो गया? वी. तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ सी वी स्क्वायर. इससे फाइनल पोटेंशियल वी, तो ये भी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो डेल्टा यू बराबर क्या मिलेगा? देखो हाफ सी कॉमन आ गया, सबसे बाहर ले लो, बचेगा कितना? ये बचेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये वी स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि ये टोटल हो गया तुम्हारे पास माइनस का हाफ सी तो कॉमन हो गया, तो बचा टू वी स्क्वायर, है ना, इतना बचा. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा? हाफ सी वी वन स्क्वायर. तो देखो वी वन की वैल्यू कितनी है, ये तो ऐसी रहेगी, प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी. वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ये वाली, तो क्या आएगा बच्चों? वी वन प्लस वी टू अपान टू का होल स्क्वायर.
यहाँ पे आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वी वन स्क्वायर। देखो दो से एक दो का स्क्वायर कटेगा, अपान में टू बचेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इस समय, तो टू वी वन स्क्वायर प्लस टू वी टू स्क्वायर। और क्या बचा, माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, पूरे के अपान में कितना बचा, टू। क्या क्या किया गया है, इस टू से टू का स्क्वायर था, देखो कुछ ऐसा था, इसको ऐसे देखो, इसका स्क्वायर ऊपर था, ये टू स्क्वायर था, ये इसके स्क्वायर से कटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमको, इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया तो ये मिला, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू ये आएगा हाफ सी, ध्यान से देखो, तो बच्चा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू अपान टू, तो ये अपान टू टू क्या हो जाएगा, फोर। ये होता है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर आ गया हमारे पास हाफ सॉरी वन बाई फोर सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, तो दिए गए ऑप्शन में से सी करेक्ट होगा। इसको शॉर्टकट से बच्चों कर सकते हैं, अगर आपको याद होता तो आपको इस केस के लिए कि जैसे दो अलग अलग पोटेंशियल से दो कैपेसिटर चार्ज किए गए, उनको रिकनेक्ट करने का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का। वो क्या था कि जब एनर्जी इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में कनेक्ट करते हैं, तो लॉस इन एनर्जी का एक ये भी फार्मूला डायरेक्ट होता है, हाफ सी वन सी टू अपान सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे आता है आंसर, देखो डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वन कितना था, देखो सी सी टू सी अपान सी प्लस सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सो डेल्टा यू इक्वल टू इस समय आ जाता हमारे पास, देखो ये सी स्क्वायर अपान टू सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू आ जाता वन बाई फोर सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। तो अगर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस का फार्मूला ये याद है, तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।